देखिए यहाँ पर सब्जी है, यहाँ भी एक सब्जी है। तो ये कुर्ते निःशुल्क मिलने वाला है यात्रियों को, भक्तजनों को। हमेशा हम लोग भंडारा कराते हैं, पूरी सब्जी मीठा, कम से कम ये 5,000 आदमी खाते हैं यहाँ पे। एक गुलाब जामुन है यहाँ पर। ये है कि इधर आपका जेंट्स का अपार्टमेंट है और इधर दूसरी साइड यहाँ पर लेडीज के लिए, जी हाँ, यहाँ लेडीज के लिए अलग है और जेंट्स के लिए बिल्कुल अलग है। यहाँ पर काफी सारे श्रद्धालु हैं जो कि अयोध्या से हमारी काशी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बहुत अच्छा, बाबा की नगरी है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारे प्यारे लोग भी हैं यहाँ, आप जैसे भी हैं जो बना रहे हैं। और ये रुकने के लिए स्थल बहुत भी प्यारा है। अगर आप बनारस से आ रहे हो घूमने फिरने के लिए तो आप फ्री में कहाँ रह सकते हो, निःशुल्क से आप कहाँ रह सकते हो, आइए आपको दिखाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मैं अभी जहाँ खड़ी हूँ ये आपका रजत प्रसाद घाट होने वाला है और यहाँ पे लग चुका है रन बसेरा। तो आइए आपको दिखाते हैं अपने वीडियो के माध्यम से कि रन बसेरा कैसा है, कितने लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, क्या व्यवस्था है खाने पीने की, यहाँ रहने के लिए क्या ही कार्ड लगने वाले हैं, क्या आईडी लगने वाली है, पूरी जानकारी आपको देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए आपको दिखाते हैं रन बसेरा घाट का, ये रन बसेरा देखते हैं। यहाँ पे चल रहा है भंडारे का तैयारी। ये देखिए यहाँ पर कितने सारे लोग हैं यहाँ, जो कि ये भंडार हर साल कहा जाता है कि कितनी अधिक मात्रा में यहाँ पे भंडारे की तैयारी चल रही है। ये देखिए जो कि पूर्णतया निःशुल्क होने वाला है, ये आप देख सकते हैं भैया। ये देखिए यहाँ पर सब्जी है और यहाँ पर है, यहाँ भी एक सब्जी है। तो ये कुर्ते निःशुल्क मिलने वाला है यात्रियों को, भक्तजनों को। आइए तो जानकारी लेते हैं यहाँ के स्टाफ से। महीने में जक्कू शाहनी, मैं यहाँ पे 3 महीने में 6 महीने पे हमेशा हम लोग भंडारा कराते हैं, पूरी सब्जी मीठा, कम से कम ये 5,000 आदमी खाते हैं यहाँ पे, 3,000 से लेके 5,000 आदमी खाते हैं। सबके लिए यह 5,000 लोग खा लेते हैं। जी हाँ, ये तो आपके सामने हैं, आप ये देख रहे हैं यहाँ पर। जी जी, बनते तो मैं देख रही हूँ। जी भैया, क्या क्या चीज़ें रहती हैं इसमें? जैसे कि आपका कोहड़ा हो गया, आलू हो गया, ये मतलब कोहड़ा आलू काबली चना के सब्जी हो गया आपका, और आपका पूड़ी हो गया, और एक इसमें स्वीट हो गया आपका गुलाब जामुन। हम लोग कोई ट्रस्ट नहीं है, हम भी करवाते हैं, मतलब हमारे तरह और भी 4-5 लोग हैं, मतलब मिल के भी हम लोग करवाते हैं यहाँ पर। जी हाँ, जी हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये सब्जी हम लोग का तैयार हो रहा है यहाँ पर, ये हम लोग का देखिए सब्जी तैयार हो रहा है, और ये सामने पनीर है, अभी पनीर भी इसमें डलेगा। अच्छा। ये सब्जी तैयार हो रहा है। ये मीठा, हाँ ये यहाँ पे पूड़ी, ये अभी यहाँ पे लोहिया कट रहा है, अभी यहाँ पे अभी पूड़ी बनना स्टार्टिंग होगा यहाँ पे, और इसके बाद ये स्वीट है, एक गुलाब जामुन है। मतलब तो अपना दिल खोल दिया हुआ है आपने अपना। सब महादेव की इच्छा, हम लोग कुछ नहीं कराते, जो महादेव चाहेंगे वही होगा, हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है। ये कब तक रहने वाला है? शाम को 5 बजे से हम लोग ये स्टार्टिंग करते हैं, रात में लगभग 10 बजे तक चलता है, 9 से 10 बजे। हाँ, हम लोग महादेव जब चाहते तब होता है, हम लोग के ऊपर कुछ डिपेंड नहीं करता है। जी कोई डेट फिक्स नहीं रहता हम लोग का, जब महादेव चाहें बस। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ चल रहा है भंडारे का तैयारी। तो यहाँ पर एकदम सामने ही ये घाट, राजन प्रसाद घाट है, तो यहीं पर फ्री में रहने की व्यवस्था भी है, जो कि आप देख सकते हैं, फ्री में खाइए और फ्री में रहिए, इससे बढ़िया बात और क्या ही हो सकती है। ये देख सकते हैं आप, ये है रैन बसेरा, निःशुल्क रहने की पूरी व्यवस्था हमारे बनारस में। ये देखिए यहाँ पर कितने सारे यात्री हैं, कितने सारे यात्री हैं जो कि रुके हुए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये जगह है, और इस तरह छावनी डाल दी गई है, हर साल ऐसे ही लग जाता है ताकि बाहर बाहर से कोई आए तो कोई दिक्कत उनको ना हो रुकने में, पैसे हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, पर यहाँ देखिए रहने की और खाने की दोनों व्यवस्था हमारे बनारस में कर दी गई है। बाबा की नगरी में कभी कोई भूखा सो नहीं सकता, ये बहुत बड़ी बात है हमारे बनारस के लिए है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपना आधार केवल देना है, आधार दे करके आप बड़े आराम से यहाँ पे रह सकते दे सकते हैं। यहाँ पर एक खाट लगी हुई है, साथ में यहाँ पर एक चादर डाल दी गई है, ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट्स भी है,
ये देखिए आप, ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट्स भी हैं, मतलब पूरी सुविधाएं यहाँ पर है रुकने वालों के लिए। सो आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर काफ़ी सारे श्रद्धालु हैं जो कि अयोध्या से हमारी काशी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो उनके रुकने की व्यवस्था कहाँ होने वाली है मैं पूरा आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से पूरा ये अपार्टमेंट बना हुआ है, रैन बसेरा है, ये निःशुल्क लोगों के लिए है। सर हर महादेव। मैं जिला मिर्जापुर से आया हूँ। दर्शन तो मैंने कल किया था जी। आज मैं घूम रहा हूँ। हाँ यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बहुत अच्छा बाबा की नगरी है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारे प्यारे लोग भी हैं यहाँ, आप जैसे भी हैं जो आप बना रहे हैं जी। और ये रुकने के लिए स्थल बहुत भी प्यारा है। नहीं मैं तो यहाँ आया हूँ, अभी देख रहा हूँ यहाँ। हाँ नहीं यहाँ निःशुल्क है एकदम, कुछ नहीं निःशुल्क है। नो कुछ भी नहीं, अभी आधार कार्ड की आईडी दिखाई गई है। हाँ ये पूरे जेंट्स का है और बगल में साइड में लेडीज का है। हाँ एकदम एकदम। यहाँ पर ये है कि इधर आपका जेंट्स का अपार्टमेंट है और इधर दूसरी साइड यहाँ पर लेडीज के लिए, जी हाँ यहाँ लेडीज के लिए अलग है और जेंट्स के लिए बिल्कुल अलग है। देख सकते हैं यहाँ पर लेडीज की व्यवस्था की गई है और इधर है जेंट्स की व्यवस्था। तो आइए हमारे बनारस में घूमिए फिरिए, बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी है ये। मैंने कहा रैन बसेरा ठीक बनवाया गया है, ठीक कार्य किया गया बाबा विश्वनाथ की नगरी में। मैं लखनऊ से अरविंद कुमार शर्मा हूँ और गंगा स्नान बाबा विश्वनाथ दर्शन में सन 80 से करने आया करता हूँ। आज मुझे रैन बसेरा देख के बड़ी खुशी हुई, जिस अधिकारी ने, जिन लोगों ने इसमें सहयोग दिया है वो वाकई में धन्यवाद के पात्र हैं। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और ईश्वर करे उनको हमेशा ऐसी सद्बुद्धि रहे जो लोगों के लिए और ईश्वर के लिए कुछ कार्य करते। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जिस दिन प्रधानमंत्री हो जाएंगे मुझे आशा है उस दिन और अच्छा कार्य होगा इस देश का। इसी के साथ धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर एक बार हो जाए। आपने हमें बनारस में रहने और खाने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, रहना भी मुफ्त है और खाना मुफ्त है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए आप सभी को। इसी के साथ इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। हर हर महादेव।